Hello everyone, this is Preetkamal and today we will be discussing about the subject details of NFTL, that is network filters and transmission lines. जो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे हमारे जो फिल्टर सर्किट्स हैं वो किस तरह से वर्क करते हैं और उनमें कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे होते हैं और वो कंपोनेंट्स हम उस तरीके से क्यों लगाते हैं, राइट? तो ये हम लोगों ने कल डिस्कस किया था. तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है द एनालिसिस ऑफ प्रोटोटाइप लो पास फिल्टर, राइट? कि जो हमारा लो पास फिल्टर है वो किस तरह से वर्क करता है और उसकी आउटपुट्स जो आ रही हैं वो कैसे आ रही हैं, उसका एनालिसिस कैसे हुआ, उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस की वैल्यू है, क्या L1 L2 की वैल्यू होगी, क्या कैपेसिटर की वैल्यू हमने लगानी है ताकि हम डिज़ायर्ड फ्रीक्वेंसी जो है उसको अचीव कर सकें, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, एंड एवरीथिंग वी विल डिज़ाइन हेयर. एनालिसिस क्या है उसके, प्रोटोटाइप लो पास जो फिल्टर है हमारा उसके एनालिसिस क्या है, ये चीज़ हम लोग जो है वो आज देखेंगे, राइट? तो इसमें क्या है कि टी एंड पाई सेक्शन ऑफ अ लो पास फिल्टर जो है वो हमारे जो सर्किट है उसमें गिवन है. दिस सेक्शन अलाउज द प्रोपिगेशन ऑफ लोअर ऑर्डर फ्रीक्वेंसीज थ्रू इट. और हमें पता है कि यहाँ पे जो Z1 है, राइट, दैट इज इक्वल्स टू J ओमेगा L, राइट? यानी कि जिसे हम बोल सकते हैं कि जो इम्पिडेंस है हमारी Z1, यानी कि जो हम इस सीरीज आर्म में यूज कर रहे हैं L/2, ये है हमारी इम्पिडेंस Z1, और ये जो कैपेसिटिव इम्पिडेंस है, शंट कैपेसिटेंस है, वो है हमारी Z2 इम्पिडेंस. तो Z1 की जो वैल्यू है इट इज इक्वल्स टू J ओमेगा L, और जो टोटल शंट इम्पिडेंस है Z2, इसकी वैल्यू है हमारे पास 1/J ओमेगा C, या वी कैन राइट इट -J/ओमेगा C. जैसे कि मैंने आप लोगों को कल बताया था लास्ट लेक्चर में, हम लोगों ने जैसे कि डिस्कस किया था कि जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होती है वो किसके बराबर होती है. कैपेसिटिव रिएक्टेंस, अगर हम कैपेसिटर की कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात करेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगी, 1/2πfC के बराबर हो जाएगी. और अगर हम बात करते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस की तो वो किसके बराबर हो जाएगी, 2πfL के बराबर होगी, राइट? तो 2πf का मतलब होता है ओमेगा. तो उसी तरीके से इस चीज़ को रिप्रेजेंट यहाँ पे किया गया है, इसको Z1 बोल दिया है J ओमेगा L, और Z2 बोल दिया है 1/J ओमेगा C को, राइट? तो अब यहाँ पे ये आप स्कीमेटिक जो है ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं. अगर टी सेक्शन की बात करेंगे तो L/2 L/2 और C इधर होगा. पाई सेक्शन लो पास फिल्टर की बात करेंगे तो सीरीज आर्म में L ही रहेगा, लेकिन जो शंट आर्म है उसमें तो सी है वो डिवाइड हो जाएगा, राइट? तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो किस तरह के होते हैं. अगर हम नेगेटिव रिएक्टेंस की बात करें और पॉजिटिव रिएक्टेंस की बात करें, सेंटर में जीरो है हमारे पास. अगर ये जीरो से लेके ओमेगा तक की फ्रीक्वेंसीज अगर पास हो रही हैं तो ये हो गया हमारा पास बैंड, और ओमेगा के बाद जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो हो गया, वो पास नहीं हो रही है तो वो बन गया हमारा स्टॉप बैंड. और जो ओमेगा है उसकी वैल्यू है 2πf या 2πp जो है यहाँ पे हमने लगा सकते हैं. उसके बाद यहाँ पे जो रिएक्टेंसेज हैं, एक रिएक्टेंस इस तरह से है X1 जो फ्लो कर रही है, एक रिएक्टेंस की जो कंडीशन है वो इस तरह की है और एक रिएक्टेंस की कंडीशन इस तरह की है. तो जब हम रिएक्टेंस की बात कर रहे हैं X1/4+X2 या Z1/4+Z2 की अगर बात करें तो ये जो रिएक्टेंस जो हम कैलकुलेट करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस कैलकुलेट करते हैं, तो इसकी जब वैल्यू जिस पॉइंट पे इस जीरो लाइन को कट करती है वो पॉइंट, वो फ्रीक्वेंसी हमारी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बन जाती है. तो उस फ्रीक्वेंसी के पहले वाले सिग्नल सारे पास होंगे लो पास फिल्टर के केस में, और जो दूसरे वाले जो बाद वाले सिग्नल्स हैं वो सारे स्टॉप हो जाएंगे, राइट? तो अब अगर कहते हैं कि मल्टीप्लाई करते हैं हम Z1 इंटू Z2 को मल्टीप्लाई करें, तो Z1 की वैल्यू हमने क्या देखी, J ओमेगा L, Z2 की वैल्यू क्या है, -J ओमेगा C, राइट? तो Z1 इंटू Z2 अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो J स्क्वायर क्या होता है, J मीन्स जैसे हम आयटा यूज करते हैं, राइट? तो इमेजिनरी नंबर के लिए हम लोग इस चीज़ को यूज करते हैं, तो J स्क्वायर होता है -1. तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ओमेगा और ओमेगा कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, L/C, और इसको हम बोलते हैं R0 स्क्वायर. L/C जो है वो रियल क्वांटिटी है, इट इज़ अ रियल
क्वांटिटी. ये जो थे दीज वर योर इमेजिनरी पार्ट्स, राइट. इमेजिनरी जो इक्वेशंस होती हैं हमारी, जिनके साथ जे लगता है वो इमेजिनरी इक्वेशंस होती हैं, लेकिन जिनके साथ जे नहीं है वो हमारी रियल क्वांटिटीज हैं. तो जी वन इंटू जी टू इज इक्वल्स टू एल बाय सी इज इक्वल्स टू वी कॉल इट एज आर नॉट स्क्वायर एंड इट इज अ रियल क्वांटिटी, राइट. तो अगर हम कैलकुलेट करें जी वन बाय फोर जी टू तो उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड करेंगे तो जे ओमेगा एल डिवाइडेड बाय माइनस जे ऊपर चला जाएगा ओमेगा सी. ये मैं आपको लिख के बताती हूँ तो इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, राइट. तो ये क्या बन गया, जी वन डिवाइडेड बाय फोर जी टू. जी वन की वैल्यू क्या है हमारे पास, जे ओमेगा एल. जी टू की वैल्यू क्या है हमारे पास, फोर, ये फोर हमने एज इट इज लिख दिया. जी टू की वैल्यू क्या है, माइनस जे डिवाइडेड बाय ओमेगा सी है. अब डिवीजन में जाएगा ओमेगा सी तो दैट मींस के ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, तो ये जे जो है वो जे के साथ कैंसिल हो गया, माइनस जो है वो एज इट इज बाहर आ गया. ऊपर क्या बचा, ओमेगा स्क्वायर इंटू एल सी डिवाइडेड बाय फोर. तो जी वन बाय फोर जी टू की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी बाय फोर. तो अगर हम टू पोर्ट नेटवर्क की बात करें, राइट, अगर हम टू पोर्ट नेटवर्क की बात करें तो उसमें जी ओ टी की वैल्यू क्या होती है, जी ओ टी इज इक्वल्स टू अंडर द रूट ऑफ जी वन जी टू मल्टीप्लाइड बाय वन प्लस जी वन बाय फोर जी टू. ये वैल्यू होती है हमारे टू पोर्ट नेटवर्क में. जो हम टी टाइप नेटवर्क की अगर बात करें तो उसकी जो करेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस है उसकी वैल्यू हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं जब हम लोग सिमेट्रिकल टी टाइप नेटवर्क के एनालिसिस किए थे. तो इसकी वैल्यू क्या है, अंडर द रूट जी वन जी टू मल्टीप्लाइड बाय वन प्लस जी वन बाय फोर जी टू. तो अब हमारे पास दोनों वैल्यूज हैं, जी वन जी टू की वैल्यू है एल बाय सी, जी वन बाय फोर जी टू की वैल्यू है हमारे पास माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी बाय फोर. तो अगर ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो हम लोग यहाँ पे पुट कर दें, राइट, तो ये किसके बराबर आ जाएगी, अंडर द रूट एल सी इंटू अंडर द रूट वन माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी बाय फोर. अब अंडर द रूट एल सी, अगर एल सी की वैल्यू जैसे हमने यहाँ पे देखी, एल सी की वैल्यू इज इक्वल टू आर नॉट स्क्वायर है तो अंडर रूट एल सी क्या हो गया, आर नॉट मल्टीप्लाइड बाय वन माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी बाय फोर. या अगर ओमेगा स्क्वायर ऊपर रख दे, इस एल सी को फोर के नीचे डिवाइड कर दे, तो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन, राइट. तो इस तरह से हम लोग ये फोर बाय एल सी जो है उसकी वैल्यू वो किसके बराबर होता है, ओमेगा सी स्क्वायर, यानी कि कट ऑफ जो फ्रीक्वेंसी है उसका स्क्वायर, राइट. तो अब ये क्या बन गया, जी ओ टी की वैल्यू यहाँ पे लो पास फिल्टर के केस में जो टी टाइप सर्किट के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस है हमारी वो किसके बराबर हो गई, आर नॉट इंटू अंडर द रूट ऑफ वन माइनस ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा सी का स्क्वायर, वेयर ओमेगा सी की वैल्यू क्या है, फोर बाय एल सी. और ओमेगा सी क्या होता है, टू पाई एफ सी, और ओमेगा क्या होता है, टू पाई एफ, राइट. एफ सी का मतलब है एफ के पैर में सी, सबस्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, राइट. तो ओमेगा को अगर ओपन करेंगे तो टू पाई एफ बनेगा, ओमेगा सी को ओपन करेंगे टू पाई एफ सी बनेगा. तो टू पाई और टू पाई अगर दोनों कैंसिल हो गए तो हमारे पास ये क्या बचा, आर नॉट अंडर द रूट ऑफ वन माइनस एफ बाई एफ सी का होल स्क्वायर. सो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो जी ओ टी है दैट इज इक्वल टू आर नॉट इंटू अंडर द रूट ऑफ वन माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी बाई फोर, इट इज अ रियल क्वांटिटी. अगर ये रियल क्वांटिटी रहेगी अगर जो ओमेगा स्क्वायर एल सी बाई फोर की वैल्यू लेस देन वन है. अगर ये वैल्यू लेस देन वन होगी तो वन में से माइनस होगी, कुछ रियल क्वांटिटी आएगी, अंडर रूट करेंगे हम उसको तो हमारी आउटपुट हमें मिल जाएगी रियल फॉर्म के अंदर. लेकिन अगर ओमेगा स्क्वायर एल सी बाई फोर की वैल्यू वन से ज्यादा हुई तो अंडर द रूट में नेगेटिव का साइन आएगा, और अंडर रूट में नेगेटिव का साइन जब आता है तो अंडर रूट माइनस वन किसके बराबर होता है, जे के बराबर, जे यानी कि आयटा, राइट. तो जी ओ टी इंडिकेट क्या करती है, द कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस ऑफ द पास बैंड व्हेन द कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस ऑफ द पास बैंड रिप्रेजेंट करती है, जी ओ टी इंडिकेट कर रही है कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस ऑफ द पास बैंड व्हेन ओमेगा स्क्वायर एल सी बाय फोर इज लेस देन वन. दैट मीन्स कि जब तक ये वैल्यू लेस देन वन रहेगी आपकी फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स पास होते रहेंगे,
रियल क्वांटिटी में आएंगी वो चीज, और अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन वन है तो वो स्टॉप बैंड बन जाएगा, COT इमेजिनरी हो जाएगा. क्लियर? सो द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो ऑब्वियसली इस कंडीशन पे डिपेंड करेगी जब ओमेगा स्क्वायर LC बाय 4 दैट इज इक्वल्स टू 1 होगा, या ओमेगा सी की वैल्यू जो है वो 2 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट LC के बराबर होगी. राइट? तो दिस इज हाउ वी वर्क. दैट मींस कि अगर हमने यहाँ से कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, तो मैं आपको नोट करके बताती हूँ कि कैसे होगी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट. राइट? तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है? कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कब होगी? जब ओमेगा स्क्वायर LC की वैल्यू इक्वल्स टू 1 होगी. अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये क्या बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर LC इज इक्वल्स टू 4. तो ओमेगा स्क्वायर यानी कि ओमेगा सी स्क्वायर. सी क्यों? क्योंकि हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर रहे हैं. राइट? तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी से आएगी हमारे पास, दैट विल बी इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय LC इसके बराबर होगी. तो ओमेगा सी की वैल्यू जो है वो कैसे हो गई, अंडर द रूट 4 डिवाइडेड बाय LC. राइट? तो ओमेगा सी जो है वो किसके बराबर हो गई, 4 का अंडर रूट कितना होता है, 2, वो तो एज इट इज बाहर आ जाएगा, और LC ऐसे ही अंडर द रूट में आ जाएगी. और अगर हमने इसको कन्वर्ट करना है, दिस इज इक्वल्स टू, राइट, और अगर हमने इसको कन्वर्ट करना है, ये हमारी हो गई ओमेगा सी की वैल्यू जो यहाँ पे हमने कैलकुलेट करी है, तो वो इसी को इसमें सॉल्व करके यहाँ पे लिखा है. और अगर हमने इस ओमेगा को ओपन करना है, उसको ओपन करके हमने यहाँ पे एफ बनाना है, एफ सी बनाना है. राइट? तो एफ सी जो है वो क्या होता है, ओमेगा सी की वैल्यू क्या होती है, 2 πfc डिवाइडेड बाय इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट LC. ये चीज होती है. राइट? तो 2 और 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया. राइट? तो FC की वैल्यू जो है वो यहाँ पे क्या बची, FC इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय पाई अंडर रूट LC. ओके? सो दिस बिकम्स द वैल्यू ऑफ FC इन दिस केस. जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है हमें कैसे पता चलेगी, L और C इन दोनों की वैल्यूज का जब अंडर रूट हम लोग करेंगे उसको डिनोमिनेटर में डाल के और उसको पाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो वहां से हमें पता चलेगी कि हमारी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है. ओके? सो अब इट इज एविडेंट फ्रॉम द रीजनिंग साइडेड अबव इन रेलेवेंस टू द इक्वेशन 12.16 जो हम लोगों ने कैलकुलेट करी यहाँ पे, ये वाली इक्वेशन जो है, ठीक है, जी और टी की जो वैल्यू है हमारे पास, ठीक है, तो उससे हमें क्या पता चला कि दैट इन द पास बैंड व्हेन ZOT इज रियल, F की वैल्यू FC से कम होगी, और स्टॉप बैंड जब ZOT इमेजिनरी है तो F की वैल्यू FC से ज्यादा होगी. राइट? मतलब कि जब कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी फ्लो कर रही है तो वो स्टॉप बैंड है, जब कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी फ्लो कर रही है तो वो पास बैंड है. ऑब्वियसली 0 से लेके FC यानी कि कम फ्रीक्वेंसी है कट ऑफ से, तो वो लो पास फिल्टर बन गया हमारा, लो फ्रीक्वेंसीज को पास कर रहा है, और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ते ही उसने उसको पास करना बंद कर दिया. तो अगर हम 0 πfc की बात करें तो 0 πfc क्या होती है, इट इज इक्वल्स टू Z1 Z2 डिवाइडेड बाय ZOT होती है. ZOT की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, और Z1 Z2 की वैल्यू हमें पता है, इट इज R0 स्क्वायर. तो 0 πfc की वैल्यू क्या बन गई, R0 और R0 ये कैंसिल हो गया, R0 स्क्वायर में से एक R0 कैंसिल हो गया, एक R0 बचा डिवाइडेड बाय 1 माइनस f/fc का होल स्क्वायर. तो चाहे आप लो पास फिल्टर टी टाइप नेटवर्क से बना रहे हो, चाहे आप पाई टाइप नेटवर्क से बना रहे हो, दोनों के केस में इट इज डिपेंडेंट अपॉन द वैल्यूज ऑफ द फ्रीक्वेंसीज, यानी कि F की वैल्यू, F यानी कि प्रेजेंट फ्रीक्वेंसी कितनी है, डिवाइडेड बाय कट ऑफ फ्रीक्वेंसी उसकी कितनी है. राइट? और उन पे डिपेंड करता है, और R0 पे डिपेंड करता है. R0 मींस L/C, अंडर रूट L/C की वैल्यूज पे डिपेंड करता है. राइट? तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, देखा कि अगर हम फ्रीक्वेंसी और जो हमारी इम्पिडेंस है Z0 स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to infinity जो जा रही है, अगर उनकी वैल्यूज को हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस की वैल्यू को अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो ZOT के केस में वो वैल्यू कहाँ जाएगी, सेंटर पॉइंट में से नीचे की तरफ जा रही है FC की तरफ, और अगर हम 0 πfc की बात करते हैं तो इट इज गोइंग अपवर्ड्स टूवर्ड्स इन्फिनिटी. 0 πfc के केस में है दोनों ही पास बैंड में, एक की वैल्यू यहाँ से FC की तरफ जा रही है और एक की वैल्यू FC तक ही रह रही है, लेकिन वो
एक करेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस उसकी ज़्यादा है। जियो पाई के केस में जो करेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस है वो ज़्यादा है, राइट, और जियो टी के केस में जो है वो करेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस कम हो रही है। उसके बाद एफ सी के बाद सारा का सारा स्टॉप बैंड जो है वो हमारा स्टार्ट हो जाता है। सो हेयर इन द पास बैंड एफ इज लेस देन एफ सी, सो द जियो पाई इज रियल एंड द पॉजिटिव क्वान्टिटी। अगर एफ की वैल्यू ग्रेटर है एफ सी से, एफ सी यानी कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो जियो पाई भी इमेजिनरी क्वान्टिटी बन जाएगी एंड इट रिप्रेजेंट जियो टी एंड जियो पाई करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लो पास फिल्टर इन द पास बैंड। उसके बाद हमारे पास है अटेनुएशन और फेज शिफ्ट करेक्टरिस्टिक्स, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही। So I wish it is all clear to you. If still there will be any doubts, we will be taking them later on. Till then, take care and bye-bye.